नमस्कार। CES24 News में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे स्टूडियो में हमारे समक्ष आज उपस्थित हैं निधि मित्या जी, जो एक राइटर हैं और महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो निधि जी, आपका बहुत बहुत CES24 News में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आपको कैसा फील हुआ? देखिए, पुरस्कार तो कोई भी होते हैं, वो आपका उत्साह बढ़ाने का काम, बेसिकली आपको आपके अच्छे कामों के बदले में एक उत्साहवर्धन मिलता है, जिस किसी तरह का पुरस्कार मिलता है। और जब आप राष्ट्रपति पुरस्कार, जैसे बड़े पुरस्कार के लिए आपका नाम आता है और आप राष्ट्रपति के साथ बैठ कर के लंच लेते हैं, तो वो अपने आप में एक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाली चीज़ होती है। और उस वक्त आपको लगता है कि अब बस इसके आगे, अब ये स्टार्ट हुआ है, अब करते चलना है, चलते चलना है, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अचीव करना बाकी है। बट इट्स रियली मोटिवेशनल, अच्छा लगता है। और जैसे कि आपकी बुक्स वगैरह, आप राइटर हैं, तो कौन कौन से बुक्स वगैरह हैं? देखिए, बेसिकली मेरी जो राइटिंग है वो वुमेन एम्पावरमेंट पर है, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो सामाजिक ऐसे विषय हैं जिन पर ज़्यादातर वाद विवाद होते रहते हैं। तो मेरी पहली बुक थी वुमन एट 36, वो बेसिकली थी महिलाओं के ऊपर थी, जिसमें महिलाओं की 36 एज में जो मनोदशा होती है उसको एक स्टोरी से, एक कहानी के माध्यम से लेकर आई थी मैं। और दूसरी बुक थी मेरी हु एम आई, टेररिज्म आतंकवाद पर थी, और उसमें वो आइडेंटिफिकेशन की बात थी कि हम हैं कौन, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। और वो बुक जो थी US पब्लिकेशन पैनल पब्लिकेशन से पब्लिश हुई थी, और 5 इंटरनेशनल बुक फेयर्स पर भी गई थी, उसको क्रिटिक्स अवार्ड भी मिले क्योंकि उसका टॉपिक ऐसा था, हु एम आई। तो ये इंग्लिश में थी, हिंदी में इन बुक का ट्रांसलेशन आया है, और इस साल मेरी 2 बुक और हिंदी में आई। और जैसे कि आपने अवार्ड, राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हैं आप, और कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? जबलपुर की मैं बात करूं तो जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मुझे जबलपुर गौरव अलंकरण माननीय विवेक तनखा जी से मुझे प्राप्त हुआ पिछले साल। और इसके अलावा इस वर्ष मुझे तेजस्विनी पुरस्कार मिला, जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। और एक पुरस्कार मुझे उत्तर प्रदेश में मिला था पिछले साल, जो मुझे मिला था वो था शान ए अवध। तो इस तरह के कुछ पुरस्कार मुझे मेरी राइटिंग के कारण, रिकग्नाइजेशन जिस तरह से हुई, और कुछ मेरे सोशल वर्क से संबंधित NGO से मुझे कुछ पुरस्कार मिले। तो निधि जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे महिला सशक्तिकरण को लेकर आप राइटर हैं, राइटिंग करती हैं, तो हमारे शहरवासियों, देशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि महिलाओं के साथ आज यूँ कहें कि अत्याचार हो रहा है, और बेटी को ना पढ़ाना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो चलाया गया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी भी देश के लिए अगर ये बात कही जाती है, भारत जैसे देश के लिए, जहाँ पर कि हम अभी नवरात्र चल रहे हैं और हम स्त्री सम्मान की बात करते हैं, देवी को पूजन में हम बोलते हैं कि देवी की हम पूजा करते हैं, वहाँ पर अगर हमें नारा दिया जाना पड़ रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात आती है, जो हमारे संस्कार पर, हमारी परंपरा पर आती है। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रयास सरकार का हो, योजना किसी भी पार्टी की हो, मगर जो उसमें विचार है वो आम जनता के होते हैं। तो एक्चुअली जो चेंज ला सकते हैं वो आप और हम जैसे लोग ला सकते हैं, हमारी सोच को बदल के। जैसे कि हम बात करते हैं बेटी बचाओ की, तो हम ये कहते हैं कि बेटी को वो स्थान देना सिर्फ एक परिवार की जिम्मेदारी नहीं है जिस घर की वो बेटी है, ये उस समाज की जिम्मेदारी है जिस समाज में वो बेटी है। तो जब हम नारीस्मिता की बात करते हैं तो उसकी शुरुआत उस घर के आंगन से हो जाती है, उस मोहल्ले से हो जाती है, उस शहर, उस गाँव से हो जाती है जहाँ पर एक बेटी है। तो बस मेरा यही कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसको वो सम्मान और वो स्थान दीजिए जो वो वाकई जिसकी हकदार है। दिसंबर में कांड हुआ था, निर्भया कांड, जिसमें निर्भया की डेथ भी हो गई थी, और अभी BHU का केस हुआ कुछ दिन पहले, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इन दोनों ही केसेस में एक सिमिलर चीज निकल के आती है, वो होता है विक्टिम ब्लेमिंग, मतलब जो खुद शिकार है पहले सवाल उस पर उठाए जाते हैं, ऐसे कपड़े पहने थे आप, लेट नाइट क्यों निकले, उसके साथ क्यों गए थे, वहाँ क्यों खड़े थे, ये वाली बातें। तो समस्या ये नहीं है कि आप, जब हम बराबरी की बातें कर रहे हैं, समाज में इस तरह की बातें करते हैं, तो समस्या ये चीज़ की नहीं है कि उस लड़की ने क्या पहना था, क्योंकि केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पर
9 साल 8 साल 2 महीने 6 महीने इवन 7 वर्षीय महिला के साथ साथ इस तरह के केसेस हुए हैं। तो हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि उस महिला ने क्या पहना था कि आपने इस तरह की उसके साथ जो घटना हुई। दूसरा, समय की हम बात करते हैं, ये 6 बजे 7 बजे 8 बजे आज के समय में जब कोचिंग क्लासेस लड़कियां जा रही हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रही हैं, तो आप उनको समय में नहीं बांध सकते। मतलब कि ये समय तो भाई हमारे शिकार पर निकलने का है, जो सामने पड़ गया वो शिकार है। क्या हम ये मैसेज देना चाहते हैं? तो बजाय हम विक्टिम ब्लेमिंग करने के, जो पीड़िता है उसको ब्लेम करने के, प्रयास ये होने चाहिए कि उन परिस्थितियों को उत्पन्न करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाए, बजाय इस पर कि उस लड़की को अपराध बोध दिया जाए कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है उसका कारण तुम खुद हो। पुरुषों को दोष नहीं दिया जाता, हमेशा महिलाओं को ही दोष दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और एग्जैक्टली जी, देखिए, और जैसे कई बार जैसे कुछ चीजें सुनने में आती हैं कि अगर उस लड़की के साथ, जैसे BHU में भी जो हुआ उसके लिए कहा गया कि BHU की लड़कियां स्मोक करती हैं या वो ड्रिंक करती हैं या उनके अफेयर्स हैं, बॉयफ्रेंड्स हैं, या जो इस तरह की बातें होती हैं, होगा। वो लड़की अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी करती है वो उनका हक है, बॉयज भी करते हैं, पुरुष भी करते हैं, सभी करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़की, अगर उसका बॉयफ्रेंड है या वो लड़की अपना जीवन उन्मुक्तता के साथ बोल्डली जी रही है, तो आप सबके लिए वो उपलब्ध है, वो सबके लिए अवेलेबल है कि भाई अभी कैंपस में आ गए, इसके एक से रिलेशन है तो अब तो ये सबके लिए अवेलेबल है। नहीं, वो जो अपनी ज़िंदगी में कर रही है वो उसकी नैतिकता है, और आप जो कर रहे हैं ये आपकी नैतिकता है, ये आपका संस्कार है, ये उसका संस्कार खराब है या उसकी कोई गलती है, इसके लिए आप उसको इस चीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकते कि भाई तुम तो ऑलरेडी, तुम्हारे दो बॉयफ्रेंड ने, इसलिए तुमको तो मैं छेड़ सकता हूँ, तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। तो ये मेंटेलिटी जब हम इसको बढ़ावा देते हैं तो इस तरह की घटनाएं बढ़ती हैं, और यहाँ पर फिर वही बात आती है विक्टिम ब्लेमिंग की। और जैसे कि अभी हमने सुना था कि मिस हसीना इंडिया का, उसकी आप ऑनर भी हैं, तो इस बारे में क्या आगे क्या करेंगे? देखिए, फैसिना मिस इंडिया कंसेप्ट जो थी, ये बेसिकली हमने जब शुरू किया तो उसके पीछे भी हमारी सोच यही थी कि फैशन इज जस्ट नॉट एक्सपोजर। फैशन मतलब अपने आप को दिखाना या प्रस्तुत करना नहीं है। फैशन, या हम मिस इंडिया की बात करते हैं तो भारत सुंदरी की बात, तो जिसको भारत के बारे में जानकारी है, तो उसके परंपराओं के बारे में जानकारी है, तो हम वहाँ पर लेकर आए कि भाई हम स्विमिंग सूट राउंड, बीच राउंड, स्पोर्ट्स जैसी कोई भी चीज़ रैंप पर नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारा पहला राउंड साड़ी होता है, दूसरा राउंड हम इथनिक वेयर यानी कि महंगा लेकर आते हैं, तीसरा हमारा होता है फुल पीस राउंड, हम वन पीस राउंड करते हैं, तो एक्सपोजर नहीं है यहाँ पर। तो हम कहते हैं कि भाई आप हिंदुस्तान की बेटी हो तो ये तो हक है आपका कि आप हिंदी में बात करें, ये इंडियन कल्चर है, इंडियन कल्चर रहे वहाँ पर, और आप हिंदी में ही नहीं, आप किसी भी प्रादेशिक भाषा में बात कर सकते हैं। तो हसीना मिस इंडिया दो तरह की चीज़ों को ब्रेक करता है आके। पहली चीज़ तो ये कि हम एक्सपोज नहीं करेंगे, हम एक बहुत ही परंपरागत तरीके से, बहुत ही सभ्य और बहुत ही ग्रेसफुल, गरिमामय तरीके से लड़कियों को आह्वान करते हैं कि भाई आप आएँ और अपना टैलेंट देखें, कि ये सिर्फ एक सौंदर्य नहीं, बुद्धि भी है इसमें। और ये इस तरह के प्लेटफॉर्म होते हैं जब आपको मिलते हैं तो आप कुछ बड़ा करने के लिए अपने आप को कैपेबल करते हैं। आप उसकी सार्थकता ये नहीं है कि आप रैंप पर चल गए और आपको क्राउन मिल गया, इसकी सार्थकता होती है कि उस क्राउन को मिलने के साथ आपको इतने सारे प्लेटफॉर्म उपलब्ध होते हैं कि आप काफ़ी कुछ समाज के लिए कर सकते हो, सिर्फ अपना बस नहीं, आप सबके लिए सोच सकते हो। तो हम यहाँ पर लैंग्वेजेस बार हमने तोड़ा, सभी रीजनल लैंग्वेजेस को हम वेलकम करते हैं एज वेल एज हिंदी, और अगर कंटेस्टेंट कंफर्टेबल इंग्लिश में है तो उसके लिए भी कोई बंधन नहीं है। तो ये अभी हमने जबलपुर से शुरू किया था, बिकॉज हम सब जबलपुर के, हमारी टीम जबलपुर की, हमारी कंपनी जबलपुर बेस्ड है, तो हमने जबलपुर में पहला शो किया। जीना तमान जी हमारे साथ आई थी एज अ ज्यूरी, और उसके बाद अभी हमने लास्ट 10 डेज में हमने इंदौर का मिस एंट्री फिनाले किया, जिसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर से सारी लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया। अब ऑल ओवर इंडिया के ऑडिशंस चल रहे हैं और इसका फिनाले जो है December 21st को मुंबई में हुआ। आपको बॉलीवुड से ऑफर भी किया गया है, राइट? जी मेरे पास, बिल्कुल मेरे पास बॉलीवुड से दो अच्छे काफ़ी जाने माने, महेश भट्ट साहब प्रोडक्शन है, यश चोपड़ा, यशराज फिल्म्स है, इनकी तरफ से भी मेरे पास ऑफर्स है स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए। और मेरा जो रुझान है अभी इंडिया से बाहर भी है, और मेरी कोशिश है कि मैं कुछ ऐसा लिख पाऊँ कि मुझे इंडिया के बाहर से रिकॉग्नाइजेशन मिले, ऑल ओवर वर्ल्ड में जबलपुर का नाम, इंडिया का नाम बाहर आए, तो मैं इन दिनों कुछ ऐसा लिखने की भी कोशिश में हूँ। निधि जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप निधि पांडे हैं,
लेकिन निधि नित्या लिखते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मुझे निधि नित्या के नाम से जाना जाता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि नित्या मेरी बेटी का नाम है। जी, और मैं अपनी बेटी का नाम अपने साथ इसलिए लिखना चाहती हूँ कि एक मैसेज है इस समाज के लिए कि बेटियाँ कितनी गरिमामयी हैं, बेटियाँ कितनी इम्पॉर्टेंट हैं, हमारी ज़िंदगी में बेटियों की जगह हमारी पहचान से अधिक है। तो मैं बड़े गर्व से ये चीज़ कहती हूँ कि मुझे मेरी बेटी के नाम से पुकारा जाए, मुझे मेरी बेटी के नाम से जाना जाए, और ये रिस्पेक्ट उसको देने के लिए, उसकी एग्जिस्टेंस को एक सम्मान देने के लिए मैं अपने नाम के साथ उसका नाम लिखती हूँ, निधि नित्या। मोस्टली लोग मुझे पूछते हैं आपका सरनेम नित्या है, और मैं उनको बहुत प्राउडली बताती हूँ कि मेरी बेटी का नाम नित्या है। शी इज़ ऑलवेज विद मी, मैं कहीं पर भी। और आगे क्या प्लानिंग है आपकी, कि क्या करना चाहेंगे? और मैं बेसिकली मैं जो करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक मेरे जो सोशल वर्क है उससे रिलेटेड कुछ इस तरह की लिंक मेरे पास आए, कि एक अच्छा अमाउंट हो मेरे पास, एक अच्छा बैकअप हो। तो मैं लड़कियों की कुछ समस्याएं हैं जैसे एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन में हालांकि मैं डिस्टिंग्विश नहीं करना चाहती लड़का और लड़की, एजुकेशन जो बच्चे पढ़ने में अच्छे उनके एजुकेशन के लिए काम करना चाहती हूँ, और महिलाओं के लिए बेसिकली एक ऐसा तबका जो सैनिटरी नैपकिन जैसे एक बहुत सेंसिटिव प्रोडक्ट से जो अनअवेयर है और जिसके लिए अवेलेबल भी नहीं है, मैं ऐसे किसी प्रोडक्ट के को उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वर्किंग चाहती हूँ, क्योंकि इफ़ देयर वो उनका हक है, ये प्राकृतिक तौर पर उनका हक है जो उनको नहीं मिलता है। हालांकि गवर्नमेंट भी काफ़ी कुछ इस विषय में कर रही है, बट पर्सनली मैं चाहती हूँ कि इस बारे में जरूर कुछ करूँ। निधि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो सिर्फ इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।